अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो लोग नशा करते हैं और नशे की जो है वो दलदल के अंदर जो है वो धंसे हुए, नशे से जो है बाहर आना चाहते हैं, वो जो है नशे को कैसे जो है वो छोड़ सकते हैं, कैसे जो है नशे की दलदल से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नशे की जो है दलदल में फंसे हुए हैं लेकिन निकल नहीं पाते। कई बार जो है वो बड़ी बड़ी कस्में वादे ये तो कर बैठते हैं लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पाते। कई बार जो है अपनी जान को जो है वो जो है मुश्किल में डालते हुए नशे को कुछ दिन छोड़ते हैं, उसके बाद नशे की तरफ आ जाते हैं, परमानेंटली जो है नशे को जो है वो नहीं छोड़ पाते। अब नशा करता क्या है? नशा जो है उस इंसान की जो जिंदगी में उसकी जिम्मेदारियां होती है ना, वो उसे कहते हैं भाई आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बने ही नहीं है किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, आप तो जिंदगी में आए हैं मौज मस्ती के लिए, चिल माहौल के लिए, इंजॉय करने के लिए, ये जिम्मेदारियां जो है आपके ऊपर जो है सूट नहीं करती। तो ऐसे जो लोग जो होते हैं जो नशे की तरफ जाते हैं ना, अक्सर इनकी अंदर जो है एक हैबिट डेवेलप हो जाती जिसे हम कहते हैं कि गैर जिम्मेदारी, कि हर काम में जो है ये गैर जिम्मेदारी का जो है मुजाहिरा करते हैं। कोई काम कह दो पूरा नहीं करते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने जो पूरी करनी होती वो पूरी नहीं करते, गैर जिम्मेदारी। खाना टाइम पे नहीं खाते, इवन के सेल्फ केयर के ऊपर भी जो है गैर जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि खाना टाइम पे नहीं खाना, सोना टाइम पे नहीं है, कपड़े टाइम के ऊपर जो है चेंज नहीं करने। तो ये जो गैर जिम्मेदारियां होती हैं इनके अंदर पैदा कर देती हैं मतलब परस्ती। मतलब होगा तो जिम्मेदारी भी पूरी होगी, मतलब नहीं होगा तो ये जिम्मेदारी जो है पूरी नहीं होगी। तो नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो जो मतलब की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं ना, तो इनको वो छोड़ना पड़ेगा, मतलब परस्ती को छोड़ना पड़ेगा और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना छोड़ना पड़ेगा, तभी नशा छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर जो है ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, बार बार छोड़ेंगे तो गैर जिम्मेदारियां जो है मजीद इसको नशे की तरफ लेकर जाएंगी। मतलब परस्ती का मुजाहरा करेंगे तो बार बार नशे की तरफ जाएंगे, नशे से नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए गैर जिम्मेदारियां जितनी भी हैं जिनका ये मुजाहरा कर रहे होते हैं, इन्हें छोड़नी ही पड़ेगी अगर नशा छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ना तो जैसे मर्जी जो है वो करते रहे, उनकी जिंदगी है ना, तो इनकी फैमिली इनको बदल सकती है ना ये खुद बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि कोई ऐसी खुराक मिल जाए, कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए बस नशे से जान छोड़ दे। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो नशे से फौरी तौर पे इनको निजात दिला सकती है। अगर जो है इन्होंने नशा छोड़ना है तो जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। जैसे ये जो है अपनी गैर जिम्मेदारी जो है वो कर रहे होते हैं, मुजाहरा कर रहे होते हैं उसका, इस हैबिट को बदलेंगे तो जारी सी बात है इसके साथ जो जुड़ी हुई मतलब परस्ती की हैबिट है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब ये हकीकी तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू कर देंगे और बगैर किसी मतलब के जो है अपनी लाइफ के लिए जो है कॉन्शियस हो जाएंगे और जो है किसी गोल और डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो ये जारी सी बात है नशा छोड़ सकते हैं, वरना तो ये नशा नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए गैर जिम्मेदारी जो है जिसका ये मुजाहरा कर रहे होते हैं वो छोड़नी ही पड़ेगी, वरना इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जो है आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।